हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम है अभिनव और ये है बेस बैरल ब्रांड की तरफ से BB33 4.1 चैनल होम थिएटर सिस्टम। 33,000 PMPO आउटपुट, लेकिन जो टोटल RMS या टोटल पोटेंशियल आउटपुट है वो है 130 वोट। 6.5 इंचेस का सबवूफर और 3 इंच के 4 सैटेलाइट स्पीकर, ब्लूटूथ 5.0, FM रेडियो ऑक्स, LED डिस्प्ले, रिमोट कंट्रोल और हैवी हार्ड थंपिंग बेस। लेट्स सी कितनी हैवी है, क्योंकि BB22 का काफी अच्छा रेस्पॉन्स था, इसका देखते हैं। और हाँ, प्राइसिंग इज 5299 अमेजोन पे जो रेगुलर रहती है। तो अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले 3.5mm टू RCA केबल, एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल, 4 सैटेलाइट, 3 इंच स्पीकर इन ईच, एंड एट लास्ट ये मेन यूनिट जिसके अंदर 6.5 इंचेस का यानी कि 6.5 इंच का सबवूफर है हैवी बेस के लिए। इसको उड़ा देते हैं। सबवूफर का बिल्ड काफी ज्यादा सॉलिड, ओवरऑल MDF में बना हुआ है। फ्रंट पे आपको ABS प्लास्टिक के साथ ग्लोसी पैनल मिलता है, जिसके बॉटम पे बेस बैरल की ब्रांडिंग, यहाँ पे सबवूफर मैश, इसके अंदर 6.5 इंचेस का सबवूफर है और साइड में आपको USB पोर्ट पेन ड्राइव के लिए। राइट साइड पे वॉल्यूम एंड बेस कंट्रोलिंग नोब दी गई है जो की आपको टक 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 वाला इफेक्ट देती है। 4 यहाँ पे की मिलती है जो कि आपके सॉन्ग्स को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज एंड मोड सेलेक्ट करने में काम आएगी। और यहाँ पे एयर होल पास बेस के लिए। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन। रियर साइड पे आपको ऑक्स इनपुट प्लस स्पीकर्स की आउटपुट, एक एंटीना वायर, पावर केबल, ऑन ऑफ की और एक सेफ्टी फ्यूज। आई लाइक इट। ये सैटेलाइट स्पीकर्स ABS प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। फ्रंट पैनल पर ग्लोसी फिनिश और आप इनको टेबल टॉप या फिर वॉल माउंट भी कर सकते हो। तो टेस्ट करते हैं, क्योंकि बेस बैरल कहता है कि अगर 8 इंच के टावर स्पीकर्स भी है तो उसके इक्वलेंट ये साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो बजाते रहो। जैसे ही पावर प्लग इन किया, यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसपे जनरल इन्फॉर्मेशन आती है और ये आपकी आंखों को दर्द नहीं देगी। बाय चांस आप टीवी देख रहे हो तो ये इंटरप्ट नहीं करती है। तो कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से। सॉन्ग प्ले किया और जो एयर पास था वो जस्ट मेरे सामने था, इसने एकदम से ऐसे पुश किया, पता नहीं कैसे किया, बहुत ज्यादा था। और कुछ सैंपल्स रियल एनवायरनमेंट के लेते हैं, जैसे हम टीवी या फिर म्यूजिक एंजॉय करते हैं एक्चुअल में। तो एक बार ये देखो। दो चार दिन दी ये टेंपरेरी हाइप, एनू काका सांभ के तू रख ले। लाउडनेस है वो अबव द लेवल है, मतलब पूरी वॉल्यूम आप नहीं सुन सकते कैसे भी। बेस हार्ड थंपिंग है। ओवरऑल जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। अब आते हैं टीवी के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि जो टीवी की ऑडियो आउटपुट होती है वो थोड़ी अलग होती है। और टीवी का सैंपल देखो एक बार। मूवीज का एक्सपीरियंस इसके साथ लेते हो, और जो यहाँ पे रिमोट पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिलता है, 5-6 अलग अलग मोड है जिसपे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्यूनिंग मिलती है। तो यहाँ पे पॉप पे सबसे बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। अगेन जो बेस है वो हार्ट थंपिंग है, ऑडियो अबव द लेबल है, क्रिस्टल क्लियर है, आपको कोई भी डिस्टोर्शन इसमें नहीं मिलता। सब वूफर काफी ज्यादा पावरफुल है और जो आपका कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग ही हो जाता है। और एक चीज और, अगर आप सब वूफर को ग्राउंड पे रखते हो टेबल के बजाय
तो जो बेस का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और आपको और डीप बेस फील होगी। और लिटरली जो बेस पैरल ने क्लेम किया है कि 8 इंच के सबवूफर के इक्विवेलेंट ये बेस प्रोड्यूस करता है, तो यस आपको सेम एक्सपीरियंस 8 इंच वाला इस 6.5 इंच के सबवूफर पे मिल जाएगा। एंड एट लास्ट एक ही चीज कहना चाहूंगा कि फुल वॉल्यूम पे भी डिस्टोर्शन बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को क्रिस्टल क्लियर डीप बेस हाई नोड्स के साथ चाहिए वो आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पे। ये 5299 पर रेगुलर प्राइसिंग में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंड कर रहा हूं इस प्राइसिंग पे, इतना हैवी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, वो भी 4.1 चैनल के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।